One is nucleus, around the nucleus, the dotted are more dense. The dotted, they represent, the dots represent the probability density of finding electron. So near the nucleus, it is maximum. As you go away from the nucleus, it decreases. One is radial node, two is radial node, three is. So there is a one radial node between two consecutive s orbitals, jo spherical shape ka hai, hence it is also called spherical node. क्या जितना बोर्ड पे लिखा है सभी को समझ में आ रहा है उतना? यस सर। आर्यन? यस सर। सर न्यूक्लियस के पास डेंसर होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे डिक्रीज होते जाता है डेंसिटी। फिर से बोलो, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होगी और जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा होगी, ये डेंसिटी की बात है पर यूनिट वॉल्यूम। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वो समझ में आएगा।
कितने ऑर्बिटल्स होते हैं पी सब शेल में? थ्री ऑर्बिटल इन थ्री डिफरेंट ओरिएंटेशन. चलो अब यहां पर आते हैं हम एंगुलर नोड को लेकर. L इज इक्वल टू वन, सो देयर इज वन एंगुलर नोड, वन नोडल प्लेन इन ईच p ऑर्बिटल. अब वो नोडल प्लेन कौन सा होगा, मैं px के लिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं. px अलोंग x एक्सिस, py अलोंग y एक्सिस, pz अलोंग z एक्सिस. देयर आर टू लूप्स और वन डंबल शेप, ऐसा कुछ होगा. कोनिकल सरफेस, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पर होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा. एट द सेंटर वी हैव न्यूक्लियस. So this is px, py, pz. There are three orbital in three different orientations. All have similar shape, size, and energy, but the orientations are different. Along x, along y, along z. Dekhna. Let's say, hamara ye kuch px orbital hai. Ye pura ka pura plane. Ispe kahin bhi orbital nahi aa raha hai. This is the nodal plane. Along y axis, along z axis. So yz is the nodal surface, nodal plane in case of px. क्या इतना समझ पा रहे हो? ये तो orbitals हो गए loops. Clear? ये वाला loops है और second ये वाला loops. और इसके इसके अलावा जो एक plane बचा है yz plane, that is the nodal. क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? Yes sir. So px के केस में कौन सा nodal plane होगा? वो plane जो nucleus से pass हो रहा है, yz plane. Perpendicular to x axis, nodal plane. Pz में कौन सा होगा? xy plane. Py में कौन सा होगा? xz plane. Right? This is the nodal plane. This one is the nodal plane. Nodal plane बोलो, angular node बोलो, एक ही बात है ना? Sir, can you explain it again? एक z plane, इसमें nodal plane हो गया, x y plane. जहाँ पे भी वो loops है, इस direction में loops है, तो उसके perpendicular plane. यहाँ पर है तो ये वाला plane, और इस direction में है तो ये वाला plane. मतलब x y z तीन axis है, एक axis के along हमारा orbital और बचे हुए दो axis के along plane. Excuse me sir, z वाला perpendicular होता ना sir? Sir, z वाला perpendicular direction में sir, मतलब सामने की तरफ. हाँ, अब x y z axis किस direction में होगी? एक x axis, y axis, z axis.
कॉपी किया है? यस सर यस सर काफी कुछ होमवर्क भी दिया होगा हमने राइट वेकेशन के पहले There are five orbitals in d subshell dxy dyz dxz copy karo fir main explain karta hu sir कॉपी कर लिया है यस सर हो गया यस सर
चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका एक 3D डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. This one is DXY orbital. Along x and y axis we have four loops, double dumbbell shape. दोनों में डिफरेंस समझ में आया? पहले दो ऑर्बिटल में देखना क्या डिफरेंस है, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूं। Along x and y axis, dx2 y2. जब along the axis है double dumbbell तो dx2 y2 हो गया। ये in between the axis आ रहा है। In between x and y axis, this is dxy. Clear? ये हो जाएगा हमारा dxy. So dx2 y2 और dxy में basic difference ये था। एक अलोंग द एक्सिस था, एक इन बिटवीन द एक्सिस था। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। हम एक्सिस को चेंज कर रहे हैं। क्लियर? एक एक्सिस एक्स ही है, सेकंड एक्सिस हमने ले लिया है जेड। क्लियर? एक्सिस को चेंज कर दिया है। सो ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर ये क्यों इन्होंने ड्रॉ कर रखा है? dx2 z2 इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। रुक जाओ मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, इसमें शायद उन्होंने सारी पॉसिबिलिटी दे रखा है, फिर बाद में पता रखा है कि कौन सा फिजिबल नहीं। dyz in between y and z axis we have double dumbbell four loops, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? इसको समझ पा रहे हो dyz को in between y and z axis? Yes, yes sir. क्या तुमने भी नोटबुक में ऐसा ही कुछ ड्रॉ किया है? Yes sir. So dxy dyz dxz ये तीनों आइडेंटिकल है, the only difference is one is present in xy plane, another is in xz plane, another is in yz plane. ये कौन से plane में present है? xy plane में, along the axis. जब along the axis होता है तो हमने power में 2 रख दिया है। ये एक exceptional case है, dz2. dz2 में double dumbbell नहीं है, एक सिंगल डंबल है और एक डोनट शेप है। क्लियर? थोड़ा सा अलग है। पांचवा ऑर्बिटल में जो एक एक्सेप्शनल है वो है dz। डोनट दिख रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है, लूप्स में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बाकी तो फिर दूसरे ऑर्बिटल्स हैं।
मुझे मेनली डी जेड टू भी शो करना था वो कैसे डिफरेंट है दूसरे ऑर्बिटल से, राइट? यस सर. चलो चले आगे. यस सर. अब आते हैं नोडल प्लेन पर. इसमें कितने एंगुलर नोड होंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल हियर? टू. टू. तो कितने एंगुलर नोड होंगे इसमें? फाइव. टू होंगे. फाइव. 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 एंगुलर नोड टू होंगे. L का वैल्यू 2 है तो एंगुलर नोड 2 होंगे इसमें. L का वैल्यू 1 था पीस ऑप्शन में तो उसमें एंगुलर नोड 1 था. एंगुलर नोड नोडल प्लेन. इस केस में पता है ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन, उसको 3D में इमेजिन करो. एक प्लेन जो यहां से पास हो रहा है, इन चारों लूप में इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी है. ये प्लेन एग्जैक्ट प्लेन इज द नोडल प्लेन, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं. सो एग्जैक्ट एंड वाई जेड प्लेन आर द नोडल सर्फेस. ये दो नोडल सरफेस होंगे यहां पर, नोडल प्लेन एक्जेड एंड वाईजेड. अब सिमिलरली इसमें कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन, वाई एक्सिस में बाहर की तरफ है. तो एक्स वाई प्लेन एंड वाईजेड प्लेन इज द नोडल प्लेन. एक्जेड एंड एक्स वाई प्लेन इज द नोडल प्लेन. जो भी एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है उसको इसके साथ और इसके साथ प्लेन में लेना. क्या इतना हमें समझ में आ रहा है? Sir, can you repeat it again? ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, जो बोर्ड वाला प्लेन है इस केस में y z प्लेन हो गया. तो अब दो प्लेन और बचे, कौन सा? एक बाहर की तरफ जो आ रहा है, this one is x y प्लेन. एक जो इस एक्सिस के अलोंग y बाहर की तरफ आ रहा है, there is y z, x z प्लेन, x एक्सिस बाहर की तरफ. This plane is x z plane, this plane is x y plane. That is a nodal surface. मतलब एक प्लेन में ऑर्बिटल है. हमारे पास तीन प्लेन है, 1, 2, 3. तो एक इसमें ऑर्बिटल है तो बचे हुए दोनों प्लेन नोडल प्लेन हो गए. अब क्वेश्चन आता है इसमें नोडल प्लेन कहां होगा? इसमें नोडल प्लेन होगा at an angle 45 degree with x and y axis. यहाँ पे हमने पता है x dxy और dx2y2 इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है. ये in between the axis है, इसको तुम 45 degree से रोटेट कर दो. ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो नोडल प्लेन भी 45 degree से रोटेट हो जाएंगे. तो पहले ये नोडल प्लेन था, वो 45 degree से रोटेट हो गया. So this plane will be the nodal plane. क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आपने जो किया वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना. ये वाला इस, ये हमारे पास नोडल डीएक्सवाई प्लेन था, इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दो, डीएक्सवाई हो गया, डीएक्सवाई डीएक्सवाई. सो पहले प्लेन ये था, वो ही 45 डिग्री से रोटेट हो गया, तो वो यहां पर आ जाएगा. पहले ये वाला प्लेन था और वो प्लेन 45 डिग्री से रोटेट हो गया, 45 डिग्री पे आ गया. अब माइनस क्यों लिखा है? मतलब माइनस नहीं है, dx टू y टू पढ़ा जाता है उसे, सिर्फ डैश बोल दो. dx टू y टू. सर इन नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं? मतलब एक बार एक्सप्लेन. निकालते नहीं है, ये निकालते नहीं है, तो हमें याद रखना है कि ये नोडल प्लेन, जहां पे ऑर्बिटल नहीं वो नोडल प्लेन. ये ऑर्बिटल से नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं? तो सब कुछ श्रोडिंगर को सॉल्व करके आया है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है सॉल्व कर, जो आ चुका है वो हमें ध्यान रखना है कि हाँ ये ऐसा सर, ये कुछ शेप होता है, यही पांच ऑर्बिटल होते हैं. तो मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो सर, dx2y2 जैसे जैसे d/2 dz2 क्यों नहीं होता है? तो श्रोडिंगर को सॉल्व करके यही फाइव ऑर्बिटल आते हैं, तो हमें याद रखना. और मैं जो नोडल सर्फेस है वो हमें ध्यान रखना, लॉजिकली रिलेट कर सकते हो, ऑर्बिटल नहीं हुआ नोडल सर्फेस. ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें अब प्लेन एंगुलर नोड विल नॉट बी द नोडल प्लेन, इसमें प्लेनर नोड नहीं होगा. इसमें बताया हमें दो एंगुलर नोड चाहिए, पहला कॉनिकल सरफेस
उस कोनिकल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है बट कोनिकल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। फर्स्ट एंगुलर नोड एंड द सेकंड एंगुलर नोड, ये दो एंगुलर नोड होंगे विच इज नॉट नोडल प्लेन। एंगुलर नोड नॉट प्लेनर, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो दो लूप्स है ना उस लूप्स के सरफेस को हम नोडल प्लेन बोल एंगुलर नोड बोल रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा सरफेस पे नहीं है। Excuse me, sir. Yes. Sir, angular node है लेकिन nodal plane नहीं, ये तो मतलब समझ में नहीं आया सर। एंगुलर नोड का जो शेप होता है वो नोड प्लेनर होता है, इसलिए उसे नोडल प्लेन भी कहते हैं। एंगुलर नोड एंड नोडल प्लेन बोथ आर सेम, सिर्फ ये एक एक्सेप्शन केसेस में एंगुलर नोड जो है वो प्लेनर नहीं है, कोनिकल शेप का है। राइट? यस सर। सर रेडियल नोड सिर्फ एस सबसेल में, फिर से बोलो। रेडियल नोड सिर्फ एस सबसेल में होता है। रेडियल नोड सभी में हो सकता है बट उसको रिप्रेजेंट सिर्फ एस में किया है मैंने। बचे हुए का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा ट्रिकी है, थ्री डायमेंशनल एज्यूम करना पड़ता है जो सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया। अदरवाइज सब में हो सकता है। नंबर ऑफ रेडियल नोड इज एन माइनस एल माइनस वन, तो तुम 4p में देखो 4 माइनस 1 माइनस 1 दो रेडियल नोड है बट वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। हो गया है कॉपी, चले हम आगे। यस सर। होमवर्क क्या दिया था? एक्सरसाइजेज दी थी। होमवर्क डिस्कस कर लें, बिग बैंग काम पहले। किस एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है? जल्दी से तो एक्सरसाइज वन से ही करना है या टू से करना है? कहां से करना? टू। चलो एक्सरसाइज टू से करते हैं। कहां तक ऑलरेडी डिस्कस हुआ है पार्ट वन में? किस क्वेश्चन नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं हम पहले? सर 12 या फिर 13। यस सर 13 तक हुआ। 13 तक डिस्कस हुआ है। Exercise 2, part 1, question number 14 onward. Doubts. Question number 14 onward doubts, exercise 2, part 1.
कोई डाउट नहीं एक्सरसाइज टू पार्ट वन में सर? 13 के बाद सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे होमवर्क के लिए। मानस मुझे बताओ यदि हम किसी भी हायर स्टेट से वन पे जंप कर रहे हैं और बाल्मर सीरीज में दो फोटोन मिल रहे हैं तो कहां से कहां जंप कर रहे होंगे? बाल्मर सीरीज में दो फोटोन मतलब 3-2-2 एक फोटोन और 4-2-2 एक फोटोन, कितना समझ में आता है? 3-2-2 4-2-2 ये दो पॉसिबिलिटी होंगी। ऑर्बिट पर स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द फोर्थ ऑर्बिट क्लियर एंड वी आर सप्लाइंग 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सो उसका काइनेटिक बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी सप्लाइड, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक है। कर लोगे सॉल्व? यस सर। चलो पार्ट टू में कहां तक डिस्कस हो चुका है? पहले नहीं हुआ कुछ भी डिस्कस नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। चलो तो पार्ट टू करते हैं। पार्ट टू डाउट्स एक्सरसाइज टू पार्ट टू, यू कैन टाइप योर डाउट्स इन चेक बॉक्स। पार्ट टू कहां तक होमवर्क दिया था? क्वेश्चन नंबर बताओ। मुझे क्यों लग रहा है कि तुमने अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन क्या किया है? सर पार्ट टू से ज्यादा डाउट नहीं थे, ज्यादा डाउट एक्सरसाइज थ्री से दिए थे आपने। पार्ट टू के फोर क्वेश्चन थे, फोर तक ही थे। अच्छा, और पार्ट थ्री में कहां तक था होमवर्क? पार्ट थ्री में भी 21 क्वेश्चन थे सर। हां एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, 13 ये अभी करना है। एक्सरसाइज टू पार्ट टू क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 अटेम्प्ट देम राइट नाउ। तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं तीनों एक साथ डिस्कस कर रहा हूं।
हो गए एटम। डिस्कस करने का टाइम है। ओके कौन सा क्वेश्चन बताना है मुझे बोर्ड पे बताओ। कुछ ड्रिलिंग की आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस एक्चुअली सोसाइटी में कुछ तो मतलब शायद ऊपर वाले फ्लैट में कुछ काम चल रहा है, डोंट नो क्या हो रहा है सर। ज्यादा नहीं आ रही है। The radial distribution curve of 2A subshell consists of X node. Find out value of X. 2S में कितने नोड होते हैं? क्या ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रॉ किया था 2S में? There is one radial node between 2S orbital. 1S 2S के बीच में one. फॉर्मूले से भी जा सकते हो n minus l minus 1. 12th, the wave function of atomic orbital of hydrogen is given. Given that the radius is in angstrom, then which of the following is radius of nodal surface for He plus ion? देखो नोडल सरफेस का हमें डिस्टेंस बताना है एंगस्ट्रॉम क्लियर एचई प्लस के लिए। नोडल सरफेस इज डिफाइंड व्हेन वेव फंक्शन इज जीरो। साई को जीरो रख दो, ये जहां पर भी जीरो होगा वो नोड होगा। सो नोड बाय डेफिनेशन व्हेन वेव फंक्शन इज जीरो, ये कांस्टेंट है, दिस कैन नॉट बी जीरो, ये तो जीरो हो ही नहीं सकता है। दिस इज ऑल्सो, दिस कैन नॉट बी जीरो, यहाँ पर ई टू द पावर समथिंग है, कभी भी जीरो नहीं होगा। सिर्फ एक केस में जीरो होगा, तो e to the power minus infinity होगा, मतलब एटम के बाहर की बात करें तो ये दोनों कभी जीरो नहीं होंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, इसे हम जीरो कर सकते हैं। चलो इसे जीरो कर देते हैं। टू माइनस जेड आर इज जीरो, तो आर का वैल्यू आ रहा है टू अपॉन जेड। एच ई प्लस दे रखा है मैंने, हीलियम प्लस का एटोमिक नंबर बता दो कितना होगा? हीलियम का टू। So 2 by 2, 1 angstrom. Is that okay? Yes, sir. Yes. So node बताना है, वेव फंक्शन को जीरो रखा, उसमें चेक किया क्या जीरो हो सकता है और उससे आर का वैल्यू कैलकुलेट किया। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो आर के दो वैल्यू आते हैं, इसका मतलब दो रेडियल नोड है वहां पर, दो आर के ऐसे वैल्यू जिसमें नोड बन रहे हैं।
आंसर इज 4, 13. हाउ मेनी ऑफ दिस ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एन एंगल 45 डिग्री टू द एक्सियल डायरेक्शन. 45 डिग्री पर मतलब इनडायरेक्ट पिक्चर 45 डिग्री पे किसका ऑर्बिटल है. एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड एंड द लास्ट वन इज एस. ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल. क्या आंसर दे रखा है 13 का हमें? कोई दे रखा है? नो सर, 3 है. 3 है तो उन्होंने एस को काउंट क्यों नहीं किया. हाउ मेनी ऑफ दिस ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम ऑर्बिटल एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तुम्हारे इसमें एस दे रखा है ना? मेरे पास लास्ट ईयर का बुकलेट है. यस सर, हमारे इसमें है एस. यस सर. और आंसर 3 दे रखा है. यस सर. यस सर. ओके, एस में भी ये तो स्फेरिकल सिमेट्रिकल है. इसमें 45 डिग्री पे मैक्सिमम मतलब इक्वल है मैक्सिमम मिनिमम. लैंग्वेज में थोड़ा, क्योंकि एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल इन ऑल द डायरेक्शन. तो नाउ मिनिमम है ना, हम ये बोल सकते हैं कि हर जगह मैक्सिमम है. एस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. तो आंसर एस आल्सो इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. ऑर्बिटल को डिफाइन ऐसे किया जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम. तो मेरे अकॉर्डिंग टू एस भी होना चाहिए क्योंकि ये 45 डिग्री पे इसमें प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, इसमें ही मैक्सिमम. थोड़ा सा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है नो डाउट. मतलब 45 डिग्री पर बचे तीन ऑर्बिटल में सिर्फ 45 डिग्री पर ही, बाकी सब जगह जीरो. इसमें 45 डिग्री के साथ साथ दूसरी जगह भी. तो उन्होंने 45 डिग्री के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि होगा या नहीं होगा. तो मैं तो इसको भी इसमें ऑप्शन सही एज्यूम करूंगा. एस होना चाहिए जितना जैसा क्वेश्चन. चलो चले हम आगे. साइज 3 के कुछ डाउट्स ले लें. यस सर. कुछ भी डिस्कस हुआ एक्सरसाइज 3 में पहले? No, sir. Exercise 3, part 1, up to question number 10. क्वेश्चन नंबर 4 आया है डाउट. बाय द वे ये क्वेश्चन जब आया था जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था और मैं सही करके आया था. क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, ठीक है, मैं सिर्फ एक सी वाला पार्ट है जो अभी तक तुम्हें नहीं, वो भी हो गया है वैसे, सब हो जाएगा. देखते हैं.
प्रोपोर्शनलिटी पे बेस्ड था। फोर्थ क्वेश्चन चेक करो कौन सा एक्सप्लेन करना है अभी भी। सी ऑप्शन था इसमें एंगुलर मोमेंटम इन लोएस्ट ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑर्बिटल इज गिवन बाय दिस फार्मूला अंडर रूट एल एल प्लस वन एच क्रॉस। एल का वैल्यू जीरो, लोएस्ट ऑर्बिटल मतलब वन एच, तो ऑर्बिटल पूछा है ना वहां पे, इसलिए वो एन एच बाय टू पाई से नहीं आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा। क्या क्लियर है क्वेश्चन सर? वो बी 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 ऑप्शन एक बार दिखाऊं एक्सप्लेन करना। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, हमें एन की प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय एन स्क्वायर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको यहाँ पे लेके आ गए, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय ई, मतलब ई टू द पावर माइनस। So, हमें दे रखा रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर एक्स, और एक्स का वैल्यू बताना है। क्लियर? यस सर। चलो टेंथ तक एक ही डाउट था, फोर्थ पार्ट वन कहीं से भी डाउट बता दो, जितना होमवर्क दिया था यू कैन टाइप डाउट्स ऑफ पार्ट वन। थर्ड ट्वेल्थ क्वेश्चन यही था क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट। यस सर। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, बट उसमें जिस फॉर्मेट में दे रखा है वो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसमें एच है, पाई है, बोर रेडियस है, मास है, यदि हम वेलोसिटी को रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारा आंसर मैच करना चाहिए उसके बाद। सो MVR equal to NH by 2 pi. Second bore orbit है, इनको 2 रख दो, ये 2 cancel. So velocity आ जाएगा H upon MR pi. Half M V square, M square, R square, pi square. अब R का value रख देते हैं R not के terms में. Second bore orbit of hydrogen. So, 1m will cancel out, h square, 2m, इसको लिख दो r naught, which is given in the question a naught, तो a naught ही लिख देते हैं, चलो, n square, n is 2, so 2 square by z hydrogen का whole square, solve कर लेना, answer match कर जाएगा, हो जाएगा अभी 12th question। ओम एंड अथर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन। यस सर। यस सर। एनी अदर डाउट फ्रॉम पार्ट वन? चलो पार्ट टू अप टू क्वेश्चन नंबर 10। पार्ट टू अप टू क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ दो क्वेश्चन डाउट आए हैं, 3 and 4। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 यही क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू,
यस सर यस सर यस थर्ड जिसका भी डाउट है हमें एन वन दे रखा है वन एन टू दे रखा है टू एन वन एन टू दे रखे हैं और पूछा है कितना वेवलेंथ रिक्वायर्ड है जूल्स में वैल्यू है डेल्टा ई इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा और वो जो भी वैल्यू दे रखा है एन वन एन टू को वन एन टू रख देना एच एन सी पुट एवरीथिंग इन एस आई यूनिट क्या कर पाओगे थर्ड क्वेश्चन अभी डेल्टा ई इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं हाइपोथेटिकल आइटम है जिसका हमें कुछ डेल्टा ई दे रखा है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इफ एम एंड ई आर द मास एंड चार्ज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट रेडियस आर द टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस के जेड स्क्वायर बाय 2r क्लियर हाइड्रोजन एटम है तो z1 आ गया तो e स्क्वायर बाय 2r इज इट इज माइनस साइन अब क्वेश्चन आता है k कहां गया पता है k का cgs वैल्यू 1 होता है ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे आगे जाकर सो द cgs वैल्यू ऑफ k इज 1 अभी के लिए याद रख लो लिख लो लेक्चर नोट्स यहां पे आंसर cgs यूनिट में दे रखे k को 1 ले लिया है हमने नहीं दे रखा इसलिए वो एज्यूम किया हमने कि K1 है आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन HC by lambda supplied energy, threshold energy, half mv square, बर्क सेपरेट करके v के लिए सॉल्व कर लेना इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ 2m को मल्टीप्लाई कर दो अंडर ले लो आंसर मैच कर जाएगा LCM दे देना हो जाएगा बर्क अभी ये यस सर v के लिए सॉल्व करना ट्राई करना हो जाएगा सेवंथ क्वेश्चन है फ्रॉम मानस Ionization energy of gaseous sodium atom is this. The lowest possible frequency of light that ionizes a sodium atom is. Kilojoule per mole में दे रखा है हमें energy. थाउजेंड का मल्टीप्लाई कर दो किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए वन मोल है तो उसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए एनए से डिवाइड कर दो अब आई गेट दोस नंबर्स सो ये आंसर आ जाएगा जूल पर एटम में और बताना है लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी एच न्यू तो पहले तो सर हमें जूल पर एटम में कन्वर्ट किया है एक एटम के लिए एसआई यूनिट जूल में और टू एच न्यू कैलकुलेट करना है एच हमें पता है सॉल्व करोगे इसके आगे तो बन जाएगा फिर क्लियर मानस प्लीज रिपीट वन टाइम नहीं आवाज आई क्या बोल रहे हो रिपीट इट वंस रिपीट करना है सेवंथ क्वेश्चन सर रिपीट बोलो जल्दी क्यों बोलो यार टाइम नहीं है इतना सर रिपीट वन टाइम
और मानस जो भी बोला है चैट बॉक्स में टाइप कर दे, देख लूंगा मैं क्या। सेवन क्वेश्चन में हमें एनर्जी दे रखा था किलो जूल पर मोल में, एक मोल को आयोनाइज करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। अब एक फोटोन एक एटम के पास जाएगा तो हमें एक एटम के लिए निकालना है एनर्जी, तो फॉर वन मोल दिस मच, बाय एन ए कर दिया तो एक एटम के लिए आ गया। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, किलो जूल में था उसको जूल में कन्वर्ट किया 1000, सो दिस में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन एटम कैसे सप्लाई कर रहे हैं फोटोन के फॉर्म में, तो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू प्लैंक्स क्वांटम फ्रीक्वेंसी पूछा है क्वेश्चन में, बाकी हमें पता है। 13 क्वेश्चन हमें दे रखा है, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिटल्स टू द ऑर्बिटल्स ऑफ रेडियस, दिस रेडियस दे रखा है 211.6 पिकोमीटर। चलो हमारे पास फॉर्मूला है, इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सॉरी एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी एंगस्ट्रॉम में 0.529। एन कैलकुलेट करना है और जेड एटॉमिक नंबर 13 में दे रखा है हमें हाइड्रोजन। सो आई थिंक ये डिवाइड करने पर 2-4 आएगा, इनका वैल्यू 2 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटिंग फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, कौन सी सीरीज में काउंट होगा ये? बाल्मर। फोर्टीन क्वेश्चन है इसके बाद ओम का, इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय applying this when the radiation is used, work function. क्वेश्चन नंबर 14, HCl-λ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ए मैक्स बोथ आर सेम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट।
आपने 17th क्वेश्चन नहीं दिया था होमवर्क के लिए। तन्वी पवार का ठीक है, चलो जो भी है मैंने बोर्ड पे कर दिया है। किसी को डाउट हो इन दोनों क्वेश्चन में तो पूछो। ठीक है, 20 के बाद वाले क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में लूंगा, जो और भी पेंडिंग होमवर्क है वो कर लेना नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं तीन क्वेश्चंस बचे क्या सर? तीन ही क्वेश्चन सारे मैंने। हाँ तो मैं और भी उसके आगे की पेमेंट तो नेक्स्ट टाइम ले लूंगा मैं होमवर्क। नेक्स्ट टाइम काफी कुछ रहेगा, मैं क्वांटम नंबर्स वगैरह कराऊंगा उसके बाद, तो मैं होमवर्क दूंगा। ठीक है, इस वीक में हमारा एक और क्लास है ना अभी? यस सर। ठीक है चलो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा उस क्लास में। बाय सर, थैंक यू।